just rise up. Everybody get inside. So हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग? आशा करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। और फाइनली मैं तो लूटर्स कल ही कम्प्लीट कर दिया और काफ़ी मतलब क्या है ना, सो गेम का अपडेट्स भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है और इसके रिलेटेड मैं थोड़ा बात कर लेता हूँ और फिर बाद में हमारा, वैसे भी मेरा तो 8-1 तो बेकार चला गया और 8-2 में मेरा फर्स्ट पोजीशन है और शायद बंदा सेकंड वाला अभी ऑनलाइन आके बैटल पे गया है तो वो अभी मुझे देख के खेलेगा भी नहीं, ये तो गारंटी है। सो इसका अभी टूर्नामेंट का टेंशन ही नहीं है मुझे, क्योंकि वो कम से कम 3,000 के आसपास ऊपर है उसके। सो फाइनली बहुत दिन के बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। सबका रिक्वेस्ट था कि भाई वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है, वीडियो नहीं आ रहा है। तो एक्चुअली मैं ऐसा हुआ सिचुएशन के ना ही मैं गेम खेला, ना ही मैं वीडियो बना पाया और ना ही मैं किसी के साथ बात भी कर पाया। तो कुछ व्हाट्सएप ग्रुप में डिस्कशन हुआ था हम लोगों का कि कुछ जीके वाला क्वेश्चंस और आंसर्स चलेगा, तो मैं तो जनरली मैं तो नहीं सोच रहा था कि ये करूँगा बोल के, क्योंकि क्वेश्चन एंड आंसर वाला मुझे पसंद नहीं है। तो काफ़ी लोग ने मुझे बोले कि भाई आप भी चाहो तो ये ऐड कर सकते हो, तो मैं बोला मेरा तो ये थॉट ही नहीं था कि मैं करूँगा बोल के। सो नेक्स्ट वीडियो से मैं ये स्टार्ट करने वाला हूँ, या तो इनकेस अगर पॉसिबल होगा तो मैं ये वीडियो पे ही मैं ऐड कर लूँगा। सो बात ये था कि मुझे लास्ट वाला एक चैलेंज आया था कि भाई पैंथर में मिसाइल रैक प्लस लॉन्ग आर्म सिस्टम के साथ एक वीडियो बनाने के लिए, लेकिन वीडियो तो नहीं बना पाया, लेकिन काफ़ी इंटरेस्टिंग किल्स गया था मेरा। शायद उसको मैं दिखा भी सकता हूँ, बट यही था जो कि मेरा पैंथर में एक काफ़ी तो हाई है, क्योंकि सिक्स स्टार का थंबनेल है, सिक्स स्टार का स्टैटिस्टिक मीम एंड सिक्स स्टार का एरिस। अगर ये लोग अगर सिक्स स्टार का है तो काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड है। सो फिर भी मेरा कम से कम एटलीस्ट 18 किल्स चला गया बैटल पे, तो काफ़ी अच्छा स्कोर था मेरे लिए। और बाकी गेम का अपडेट ये है कि डिवीजन वाला सिस्टम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग हो गया है, मतलब डिज़ाइन काफ़ी चेंजेस हो गया है। और बाकी रहा दूसरा बात कि टूर्नामेंट भी बहुत ही इंटरेस्टिंग हुआ मेरा, और ये भी इनविटेशन वाला सिस्टम भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और यहाँ पे डिस्कशन वाला सिस्टम, डिस्कशन ये है कि ग्लोबल है और पर्सनल है, सॉरी। तो मैं कहाँ पे रुका था भाई लोग, मैं तो भूल ही गया। तो जहाँ से ये बात हुआ राइट, ये चैट के ऊपर बोल रहा था ना, तो ये है ग्लोबल चैट और ये फ्रेंडली ग्रुप वाला चैट है, जो कि फ्रेंड लोग मतलब जो कि फ्रेंड लोग आप लोग मतलब आपके फ्रेंड लिस्ट में जितने बंदे हैं उन लोगों के साथ आप बात कर सकते हैं पर्सनली। और बाकी ये रहा वर्ल्ड वाइड चार्ट, जो कि वर्ल्ड में जितने प्लेयर्स हैं सब लोग यहाँ पे मिलेंगे आपको। तो ये था गेम का, ये चार्ट रूम, यहाँ पे चार्ट रूम भी चेंज कर सकते हो, जैसे कि मैं अभी 897 है, मैं 525 चेंज करता हूँ, जैसे कि 525 हमारा कुछ बंदे, ओह ये तो फूल है। तो पर अरे यार इंग्लिश 525, तो ये है उन लोगों का लिस्ट जो कि तुम चाहो तो स्विच करके तो यहाँ पे चेंज करके पर चैनल पे 300 मेंबर्स से डिस्कशन कर सकते हैं। जैसे कि इसका कहाँ से कहाँ तक आ गया,
1 to 999 तक आता है, मतलब 999 तक तुम चेंज कंटिन्यूसली कर सकते हो। और जो ग्रुप में आप पर्सनली ग्रुप बनाते हो तो वहीं पे तुम बहुत सारे लोगों के साथ बात भी कर सकते हो। सो ये था गेम का चार्ट्स के ऊपर, चार्ट रिलेटेड। तो ये गेम रिलेटेड मैं एक बात मैं थोड़ा बहुत बता देता हूँ। सो एक्चुअली ये गेम इस तरह है कि हम लोग मानते हैं कि ये रोबोट गेम है। तो इससे पहले प्लारियम का दूसरा गेम है जो कि रेड शाडो बोल के चैम्पियन वाला गेम है, जो कि ऑलरेडी मैं काफ़ी लेवल तक चला गया हूँ वो गेम पे। तो सेम टू सेम उसके तरह। सो और एक बात है जो कि कल सब लोग 500 ए कॉइंस रिवॉर्ड लिया, वो सब लोगों को मिला है क्योंकि ये वाला सिस्टम भी वही गेम रिलेटेड ही है जो कि हम लोगों को फ्री में दिया 500 ए कॉइंस। तो उसी गेम पे भी सेम मिलता है, मतलब उस पर तो कुछ दूसरा कैटेगरीज का चीज़ है, तो उसके रिलेटेड वही गेम को रिलेटेड सारा चीज़ मिलता है। तो बात इतना ही है और ज़्यादा नहीं, और बाकी और कुछ ऐड करनी है मुझे। सो और ज़्यादा भी नहीं बात करूँगा, और मैं इसमें ऐड करता हूँ मेरा वो लूटरस वाला डिटेल। सो बस इतना ही है और ज़्यादा कुछ नहीं। सो बाय ऑल, हैव ए नाइस डे, थैंक यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग, और बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए जय हिंद।